अगर कोई व्यक्ति कम बोलता है लेकिन तेजी से बोलता है तो इसका मतलब ये है कि वह गोपनीय प्रकार का व्यक्ति है। यदि कोई व्यक्ति आपकी छोटी से छोटी बातों पर भी गुस्सा हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि उसे आपके साथ और प्यार की जरूरत है। अगर कोई छोटी छोटी बातों पर भी रो देता है तो इसका मतलब ये है कि वह एक नरम दिल का इंसान है। अगर कोई व्यक्ति गलत या असामान्य तरीके से खाना खाता है तो इसका मतलब ये है कि वह व्यक्ति बहुत अधिक तनाव में है। मनोविज्ञान के अनुसार हमारी आंखों को मोबाइल स्क्रीन की तुलना में किताबों को पढ़ना आसान होता है। मनोविज्ञान के अनुसार अगर आप किसी इंसान को पसंद करते हैं तो उसके साथ काम करते हुए आप नई नई चीजों को सीखते हैं। यह कड़वी सच्चाई है कि लड़कियों के दुख या फिर दर्द अधिकतर लोग सुनने को तैयार हो जाते हैं और मदद भी करते हैं, लेकिन यही बात किसी मर्द की हो तो कोई ध्यान नहीं देता। मनोविज्ञान के अनुसार अगर आप अपने प्यार के लिए थोड़ा झुक नहीं सकते तो यकीन मानिए आपका प्यार ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता। अगर आप अपने दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप कभी भी मॉर्निंग में स्ट्रेस न लें। साइकोलॉजी के अनुसार इंसान को सबसे बेहतरीन फीलिंग तब आती है जब उसे पता चलता है कि वह किसी इंसान के लिए स्पेशल है या उसकी कोई वास्तव में केयर करता है। अगर कोई लड़की एकदम से कुछ दिनों से शांत हो गई है, इसका मतलब ये है कि उसके साथ उसकी उम्मीद के विपरीत किसी ने जरूर कुछ बहुत ही ज्यादा गलत किया है, जिसके कारण वह अंदर ही अंदर खुद को खो चुकी है। मनोविज्ञान के अनुसार सच्चे लवर का दिल टूटने से उसे भयानक शारीरिक दर्द का सामना करना पड़ सकता है। इस अवस्था को स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी कहा जाता है। यदि आप अपने उल्टे हाथ से अपने दांत ब्रश करते हैं तो आप अपने दिमाग को अलग तरह से काम करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, जिससे आपका आत्मनियंत्रण स्तर बढ़ जाएगा। मनोविज्ञान के अनुसार हमारा दिमाग एक बोरिंग काम को भी पल भर में मजेदार बना सकता है, अगर हम सच में उस काम को करना चाहते हैं तो। इंसानों का दिमाग आधे से अधिक समय केवल यादों को ही दोहराता रहता है। अगर आप बहुत बार किसी चीज से हर्ट हुए हो और इसके बाद भी आप मुस्कुराते हो तो वास्तव में आप बहुत ही मजबूत किस्म के इंसान हो। आप जिन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं तो आपकी सोच और काम करने की क्षमता भी उन्हीं लोगों के जैसे बन जाती है। हमारा मन केवल प्रत्येक व्यक्ति पर एक बार पूर्ण विश्वास बनाए रखता है और अगर वह विश्वास एक बार टूट जाए तो उसके बाद उसे फिर कभी भी पहले जैसा विश्वास नहीं होता। मनोविज्ञान कहता है कि जब भी आप समस्या पर फोकस करते हैं तो आपको समस्या ही दिखाई देती है, और जब आप समस्या को हल करने के बारे में सोचते हैं तो आपको उसमें अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। जब भी आप शीशे के सामने खड़े होकर खुद से सकारात्मक बातें करते हैं तो आप मानसिक रूप से मजबूत हो जाते हैं। शारीरिक मेहनत करने वाले की तुलना में दिमागी मेहनत करने वाला इंसान ज्यादा सफल होता है। जो व्यक्ति ईमानदार होता है उसके ज्यादा दोस्त नहीं बनते, लेकिन उसके जितने भी दोस्त बनते हैं वे पक्के होते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा डांटता है तो वे अपने आप से नफरत करने लगते हैं। अगर आप पहली बार कहीं नई जगह पर घूमने जाते हैं तो आप बहुत ज्यादा तरोताजा महसूस करते हैं और आपके अंदर एक सकारात्मक भाव पैदा होता है।
मनोविज्ञान के अनुसार जो लोग कम पढ़ाई करते हैं उन्हें चीजें बहुत जल्दी समझ में आती हैं या बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। मनोविज्ञान के अनुसार जो व्यक्ति सफेद कपड़े पहनता है उनका मन बहुत ज्यादा शांत रहता है और उसके विचार हमेशा सकारात्मक रहते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार किसी भी कपल का ब्रेकअप तभी होता है जब उन दोनों में से किसी एक ने भी किसी तीसरे व्यक्ति से सलाह ली हो। अगर आप एक शादीशुदा व्यक्ति हैं और आप अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करते हैं तो आपकी जिंदगी में सफल होने के चांस 90% तक बढ़ जाते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार हमें सबसे ज्यादा लंबे और गहरे सपने सुबह के वक्त आते हैं और यह सपने 20% तक हमें याद भी रह जाते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जिन व्यक्तियों को रात में डर लगता है उन्हें सफेद चादर ओढ़कर नहीं सोना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें डरावने सपने आने लगते हैं जिससे वो और ज्यादा डर जाते हैं। जो व्यक्ति हर काम के लिए हाँ कह देते हैं ऐसे व्यक्तियों की लोगों की नजर में कोई इज्जत नहीं होती है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को कुछ बातों में नहीं कहने की भी आदत डालनी चाहिए। किसी के कुछ ना बोलने पर भी ऐसा महसूस होना कि आपको किसी ने आवाज लगाई है यह एक स्वस्थ दिमाग की निशानी है। मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति खुद को दर्पण में ज्यादा समय तक देखते हैं वैसे व्यक्ति अपने चेहरे के प्रति काफी चिंताग्रस्त होते हैं। जब कोई व्यक्ति सच बोलता है तो उसके हाथ ज्यादा हिलते हैं, वहीं अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो वह अपने शरीर में कम गतिविधि करता है